Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. So students, today I'll discuss the first chapter, that is the living world. So before discuss the living world, let me know you what is biology. So पहले हम जान लेते हैं कि biology होता क्या है. Biology two terms से बना होता है, that is bios plus logos. So here bios mean what? Living or life. Logos mean study. It means study of life. Study of living. Study of evolution. Is that clear? So here two things, that is the living and non-living. So ये कैसे हम डिफाइन करेंगे, कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है. सो समटाइम्स कुछ फीचर्स के अकॉर्डिंग होता है, हम फीचर्स के अकॉर्डिंग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उनको जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सो फर्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, फीचर्स के बिहाफ पर, फीचर्स ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिज्म. सो हम फर्स्ट आई डिस्कस ग्रोथ, सेकेंड आई डिस्कस रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, फोर्थ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द फिफ्थ वन इज कॉन्शियसनेस. ओके, सो लेट मी डिस्कस व्हाट इज ग्रोथ. ग्रोथ सिंपल वर्ड में अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ को सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं बढ़ना या इंक्रीज करना. कोई भी चीज़ है जो बढ़ेगी इंटरनली या आउटसाइड कहीं से भी बढ़ती है तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं. सपोज ग्रेजुअली इंक्रीज करना. सो बच्चों आप इसे नोट करते रहना, इस तरह से आपका नोट्स भी बनता रहेगा. इंक्रीज इन द मास एंड ओवरऑल इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ टिश्यू इज नोन एज ग्रोथ. फाइन, सो इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन द साइज आर द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ. ये जो दोनों चीज है, मास एंड साइज, ये दोनों ट्विन कैरेक्टर्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है. फाइन, सपोज यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूँगी. एक बच्चा है, फर्स्ट क्लास से वो ग्रेजुअली पढ़ता हुआ और बढ़ता हुआ इलेवेंथ क्लास में पहुँच गया. सो ये इंक्रीज हुआ, ग्रोथ हुआ उसकी बॉडी में और वो उसे ग्रेजुअली इंक्रीज करके वो इलेवेंथ. अगर वही बच्चा अगर चाहे कि इलेवेंथ क्लास से वो फर्स्ट क्लास में रिवर्स आ जाए, यानी उम्र को बढ़ कम करता हुआ अपना साइज छोटा करता हुआ अगेन फर्स्ट में आ जाए, सो इज़ इट पॉसिबल? नो, नेवर. सो द पॉइंट वुड बी ग्रोथ इज इरिवर्सिबल, ओके, एंड इट्स अ परमानेंट. ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है और परमानेंट होती है. हम ये जान ले, वैसे ग्रोथ होती क्यों, हमें ये भी जानना चाहिए व्हाई, क्यों ग्रोथ हो रही है, व्हाई डज ग्रोथ अकर.
So the simple word is due to metabolism. All right. So metabolism point iska second hai. So I'll discuss later on. So हम इसमें जान लेते हैं इसके टाइप्स को. तो इसके दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज इंटरिंसिक ग्रोथ एंड सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. सो नाम से ही डिफाइन हो रहा है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक का मतलब क्या हो गया? इनसाइड द बॉडी चेंजेस, जो बॉडी के अंदर चेंज होगा. द चेंजेस हैपनिंग इनसाइड द बॉडी आर ड्यू टू इंट्रिंसिक ग्रोथ. इट अकर इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज़ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब जो भी चेंजेस अंदरूनी होगा, बॉडी के इनसाइड होगा ग्रोथ में, ठीक है, तो उसको हम लोग इंट्रिंसिक बोलते हैं. जैसे कि आप एग्जाम्पल इसका ले लो, जैसे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गेन ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, राइट. अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की. एक्सट्रिंसिक क्या होता है? ये आउटसाइड होता है. आउटसाइड का मतलब क्या हो जाएगा? सो एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या हो जाता है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी. इट्स मीन एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एनी सरफेस. हम इसका एग्जाम्पल में उसको ले सकते हैं, लाइक पर्वत, माउंटेन, ठीक है. कैसे? उसमें एक्यूमुलेशन होता है, ग्रोथ होती है, धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं बढ़ जाता है, स्लोली स्लोली. पहले तो छोटा होता है, ऐसे छोटा कंकर टाइप, देन उसके बाद उसमें जमते जमते लाइक उसमें फॉर्मेशन होते, एक माउंटेन आपका तैयार हो जाता है. ये धीरे धीरे होता है, ठीक है. तो यहाँ पे ग्रोथ से हम ये नहीं बता सकते कि लिविंग है या नॉन लिविंग है. वैसे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे के सिनोनियम्स होते हैं. और इस ये जो है एक्सक्लूसिव कैरेक्टर होते हैं इन प्लांट एंड एनिमल्स में. फाइन, ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा. जो ग्रोथ होता है और जो रिप्रोडक्शन होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स होंगे और ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर होते हैं किसके? प्लांट और एनिमल में. फाइन. सो अब इसमें एक और चीज़ होती है कि ग्रोथ जो होते हैं उसको टू पार्ट्स में हम पढ़ सकते हैं. एक होती है इनडिटरमिनेंट ग्रोथ और एक होती है डिटरमिनेंट ग्रोथ. फाइन. सो हम इसमें देख लेते हैं इसमें फ़र्क क्या है दोनों में. तो दोनों में जो फ़र्क है, पहला तो इनडिटरमिनेंट, इससे नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें एंडलेस यानी कोई भी लिमिट नहीं है और ग्रोथ होती जाती है. तो हम पॉइंट लिख सकते हैं एंडलेस ग्रोथ. ऑलराइट. सो नो लिमिट. सपोज इसके एग्जांपल्स हम ले लेंगे. प्लांट बॉडी पार्ट्स. आपको हो गया, ऐसा तो नहीं होता है कि प्लांट बढ़ता ही जाए बढ़ता ही जाए. नहीं बढ़ता है, ज़रूरी नहीं है उसकी हाइट में. समटाइम्स आप कोई भी पेड़ देखोगे, वो ता उम्र जब तक वो लाइफ उनकी है, वो ग्रीन है, उनमें ग्रोथ होती ही है. वट एवर वो लंबाई में बढ़े, वट एवर वो चौड़ाई में बढ़े. समटाइम बहुत सारे प्लांट होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते, छैल जाते. तो एंडलेस लिमिट हो रही है, ठीक है, उसमें ग्रोथ एंडलेस ग्रोथ हो रही है, उसमें ग्रोथ चलती ही जा रही है. बट अगर हम डिटर्मिनेंट में बात करें तो इसकी जो है लिमिटेड ग्रोथ होता है. सो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एनिमल बॉडी पार्ट्स. अब आप देखो, कोई बच्चा होता है वो जब बढ़ जाता है, वो 20 साल का हो गया. सपोज हम 20 नहीं लेते, हम मैक्सिमम टाइम ले लेते 25 साल. अब ना उसका अगर दिल इतना बड़ा है सपोज, तो इतना ही रहेगा. अब ये नहीं है कि वो 50 साल का हो जाएगा तो उसका दिल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, या उसका आप लीवर की बात कर लो तो लीवर ज़्यादा बड़ा होता जाएगा. किसी का लीवर एक हाथ ज़्यादा बड़ा है, किसी का दूसरा हाथ ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि उनका एज कम था तो वो जो है उनका हाथ कम बड़ा हुआ. तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है. एक लिमिट में ही ग्रोथ होगा, जिस लिमिट में हाथ पैर बराबर होने चाहिए. फाइन. सो इतना बात क्लियर हो गया. सो यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया. अब हम थर्ड पॉइंट लेके चलते हैं. व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ रेप्रोडक्शन. ओके, इसको मैंने आपके लिए पहले लिख लिया क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा था. सो रेप्रोडक्शन, रेप्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी इंक्रीज करना,
कोई भी लाइक इंडिविजुअल हो या प्रोजेनी हो उसका इंक्रीज करना लाइक ऑफ स्प्रिंग का, ठीक है। तो अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करते हैं तो ये रिफर्स करता है प्रोजेनी में इंक्रीमेंट होना, और यही अगर हम यूनिसेलुलर में बात करते हैं तो ये क्या करता है, रिफर्स करता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। मल्टी सेलुलर में लाइक वी ह्यूमन बींग्स और एनी एनिमल, उनमें क्या होता है वो मोर और लेस सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट सेल से, पेरेंट्स से। जैसे कि मैं अपने पापा पे गई हूँ या मैं अपनी मम्मा पे गई हूँ, तो इट डिपेंड्स कि मैं उन पे मिलूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं आप मेरे पेरेंट्स से मिलोगे या मैं, तो ये डिपेंड करता है उनके पेरेंट्स पे, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है, जब एक सेल होता है तो वो ज्वाइन होकर दो सेल बनाते हैं, देन वो नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप ये कहोगे मैम ये तो फिर ग्रोथ में भी हो सकता था, ये ग्रोथ का भी पार्ट होगा, तो हाँ ये इसीलिए मैंने आपको एक टर्म रिमेंबर करने को बोला था, नोट बोला था, दो बार भी मैंने उसको रिपीट किया था, वो नोट मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन होता है ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स होते हैं, और ये दोनों एक्सक्लूसिव कैरेक्टर होते हैं इन प्लांट एंड एनिमल में। ओके फाइन, ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इसमें बताएंगे रिप्रोडक्शन में ये दो टाइप के होते हैं, तो फॉर द फर्स्ट वन इज, इसके टाइप्स में देखते हैं, इसके टाइप्स में पहला ये एसेक्सुअल होगा और सेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होगा, सेक्सेस जो, असेक्सुअल में क्या होगा, जो सेक्सेस होंगे वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, दो गैमेट फॉर्मेशन पॉसिबल होगा बट फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस नहीं इन्वॉल्व होगा। सो मैंने क्या बोला, सेक्सेस जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, दो गैमेट फॉर्मेशन तो होगा वो पॉसिबल होगा बट फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस नहीं इन्वॉल्व होगा। बट अगर हम सेक्सुअल में बात करते हैं तो इसमें सेक्सेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होंगे और फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस भी अपनी टेक प्लेस, आई मीन होगा इन्वॉल्व। ओके फाइन, ये बात क्लियर हो गया। मैंने असेक्सुअल में क्या बताया, सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होंगे और इसमें इन्वॉल्व होंगे, इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा बट फर्टिलाइजेशन मियोसिस नहीं इन्वॉल्व होगा, और इसमें फर्टिलाइजेशन होगा बट मियोसिस एंड आपका मियोसिस इन्वॉल्व होगा, फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस दोनों इन्वॉल्व होगा। ओके फाइन, सो मैं इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आपके लिए पॉइंट लिख देती हूँ, आप उसको जो है स्टॉप करके देख लेना। सो मैंने इसे लिख दिया है, आप यहाँ पे इसे पॉज कर लेना और इसको नोट डाउन कर लेना। सो अब हम बात करते हैं असेक्सुअल के टाइप, इसके टाइप की बात करेंगे। ये चार तरीके के टाइप होते हैं, पहला स्पोर फॉर्मेशन, देन बडिंग, देन फ्रैगमेंटेशन, देन ट्रू रीजेनरेशन। आप साथ साथ में भी नोट डाउन करते जाओ, और अगर मेरा स्पीड ज़्यादा है तो आप वीडियो को पॉज करते जाना और इसके नोट्स भी बनाते जाना, इतना आपके लिए नोट इनफ है। और फिर भी अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप मेरे ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देना, जो कि डिस्क्रिप्शन मैंने वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, आप उस पर मुझे DM कर देना, देन आई विल सेंड यू। ओके, सो स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, जिसमें स्पोर के थ्रू जनरेशन होगा, आई मीन रिप्रोडक्शन होगा। सो इसका एग्जाम्पल होता है एल्गा एंड फंगाई, और बडिंग किस में होती है, ईस्ट में एंड हाइड्रा में, बडिंग के फॉर्म में रिप्रोडक्शन होते हैं। फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे तो फिलामेंटस एल्गा फंगाई प्रोटोनेमा ऑफ मास प्लांट ट्रू रीजनरेशन में। ओके, इसके एग्जाम्पल से पहले हम आपको बता देते हैं व्हाट इज रीजनरेशन। स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन रिप्लेस इंजर्ड और लॉग्ड पार्ट। जो कोई एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि रिप्लेस कर सकता है अगर किसी भी कोई भी पार्ट जो इंजर्ड है या लॉग्ड है उसको रिप्लेस करके नया फॉर्म लाता है, ठीक है। तो हम इसकी, ये तो रीजनरेशन की बात थी, ठीक है। ट्रू में क्या होता है कि लॉग्ड पार्ट से उसका रीजनरेशन होना, फाइन। सो रीजनरेशन का एग्जांपल क्या हो जाता है, आप बात
लिजर्ड, आपने देखा होगा उसके कभी भी दुम कट जाता है तो दोबारा से आपको वहाँ से नया दुम निकलता हुआ नजर आता है. ओके फाइन. तो ये लिजर्ड एंड स्टारफिश किसका एग्जांपल है? दैट इज एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन. एंड द ट्रू रीजनरेशन के एग्जांपल है प्लेनेरिया. फाइन. सो मेटाबॉलिज्म. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मेटाबॉलिज्म. इससे पहले मैंने जो भी दो कैरेक्टर आपको पढ़ाए थे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, उससे हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि ये जो नेक्स्ट लेवल है या नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग. बट मेटाबॉलिज्म एक ऐसा कैरेक्टर होता है, ये डिफाइन कैरेक्टर होता है किसी भी लिविंग बीइंग का. हम यहाँ पे मेटाबॉल, जो मेटाबॉल वर्ड होता है ये ग्रीक वर्ड से, ये ग्रीक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है अकरेंस ऑफ चेंज, यानी किसी भी तरह का चेंज. फाइन. इट इज़ अ टोटल सम ऑफ केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इन द बॉडी इज कॉल्ड एज. हमारी बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं. तो हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं. टाइप्स, इसका फर्स्ट टाइप है हमारा, ये दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में क्या करेंगे, इट रिफर्स टू रिड्यूसिंग अप और सिंपली फिकेशन ऑफ कॉम्पोनेंट. एंड इसका रिवर्स होगा, इट रिफर्स टू बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट. यहाँ पर सिंपल सिंप्लीफिकेशन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से सिंपल. इससे हम ये जान लेते हैं, पहला तो ये एक कैटा, सिंपल वर्ड में हम बताते हैं, कैटा मतलब तोड़ना. किसी भी चीज़ को तोड़ेंगे, जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, इसमें एटीपी की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें एटीपी रिलीज हो रही है यानी एनर्जी फॉर्म में. और इसमें हम जब कोई भी चीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं कंपाउंड बनाने में, कॉम्प्लेक्स बनाने में, तो ऑब्वियसली इसमें मेहनत की ज़रूरत पड़ रही है, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है. तो इट्स मीन इसमें एटीपी रिक्वायर्ड होता है. सो ये भी एक पॉइंट है, एटीपी रिक्वायर्ड एनर्जी required. okay, here energy released. fine. so ये एक destructive process है, destructive. all right, हम इसमें example ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास protein है. ठीक है, protein से हम breakdown करके amino acid बनते हैं और हेयर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, सॉरी, इसी अमीनो एसिड से हम प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो गई. और ये एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी है, इसमें एग्जांपल में आ जाएगा फोटोसिंथेसिस. सब यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसमें हम मेटाबॉलिज्म में, एनाबॉलिज्म में बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी फोटोसिंथेसिस में, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा. हेयर हम क्या बात करेंगे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और किस में टूट जाएगा, उसके जस्ट रिवर्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में.
फाइन। सो हमने इस मेटाबॉलिज्म में क्या सीखा कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइंड कैरेक्टर होता है लिविंग बींग का। ये मेटाबॉल ग्रीक वर्ड है और ये जो है चेंजेस से मतलब होता है। इसमें दो टाइप थे, एनाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। इसमें रिड्यूसिंग अप हो रहा है और सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। इसमें बिल्डअप हो रहा है, जिस चीज़ में बिल्डअप होगा उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी यानी एटीपी की रिक्वायर्ड होगा। इज अ फोटोसिंथेसिस भी इसका एग्जाम्पल आ जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन ग्लूकोज विल बी फॉर्म। इफ ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड हियर एटीपी नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी रिलीज्ड। ओके सो द प्रोटीन विल गिव अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड गिव प्रोटीन। सो द कम्प्लीट मेटाबॉलिज्म। ओके डन, सो इज़ दैट क्लियर? सो आप इसे पॉज करके इसको लिख लेना। ओके फाइन, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सो हम यहाँ पर देखेंगे जो सेल होता है, सेल से हमारा टिश्यू बनता है। ओके और टिश्यू से कई टिश्यू मिलकर हमारा एक ऑर्गेन को फॉर्म करेंगे और ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। देन ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। फाइन, सो एज सिंपल एज दैट, सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म। फाइन, सो व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फाइन, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे आपको ईजी हो जाएगा। सेल का डिफिनेशन क्या होता है, सेल इज, आप भी लिखते चलो साथ में, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ द लिविंग वर्ड, द लास्ट टॉपिक वुड बी कॉन्शियसनेस। फाइन, सो इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को हम फील कर लें और उसमें एट रैंडम रिएक्शन दें। लाइक हॉट, अगर हमने गर्म कप पकड़ लिया तो हम फौरन हाथ को पीछे कर लेते हैं, ये ठंडा है तो उसको हमको सेंस आ जाता है कि ये ठंडा है, हमें इसके करीब जाना चाहिए, गर्म है, इसके टच करने से मैं जल सकती हूँ। तो सेंस होना यानी ये ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है। ओके फाइन, सो द फर्स्ट पॉइंट वुड बी, साथ में आप लिखते चलना, इट इज द अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग। जैसे कि मैंने बताया था कि गर्म है तो सराउंडिंग का हमारे पास टेम्परेचर कैसा है तो उसके अकॉर्डिंग हमको अपना रिस्पॉन्स करना होता है। सपोज गर्मी हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम घर आकर फ़ौरन एसी ऑन कर लेंगे। सो उससे क्या होगा, हमने सराउंडिंग के टेम्परेचर, अगर बाहर सर्दी हो रहा है तो हम घर आकर उसमें और ठंडे पानी से नहीं नहाएंगे क्योंकि हमें फील आ गया सराउंडिंग से। इस अवेयरनेस सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मीन क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ें जो टच करने से, सेंस के हिसाब से। सपोज स्टिमुलाई, ये फिजिकल टच, फिजिकल से समझ में आ गया यानी टचिंग टचिंग। केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमें समझ में आ जाएगा और बायोलॉजिकली इससे हमें कॉन्शियसनेस हो जाएगा, हम समझ जाएंगे। फाइन, एंड यू नो
इट इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक तो आपने ग्रोथ पढ़ा था, दैट इज़ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा, दैट इज़ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. आपने मेटाबॉलिज्म पढ़ा, यस दैट इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड द कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो. सो हेयर इट इज defining property of living organism. Fine. Human have additions factor. मनुष्यों में एक addition factor होता है जिसे कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस. मीन अवेयरनेस ऑफ सेल्फ. उनको बताने की ज़रूरत नहीं है ह्यूमंस में. आपको अगर आपके हाथ को करंट लगा तो कोई आपको बताएगा नहीं कि आपको करंट लगा है, इट विल बी डेंजर फॉर यू, सो आप अपना हाथ पीछे करो. आप ऑटोमेटिकली अपना हाथ पीछे करोगे. ओके फाइन. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो और मुझे सपोर्ट करने के लिए, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो. और मुझे कमेंट में बताते रहो कि मेरा इसमें लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है. मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी. और अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना हो तो वो आप कमेंट में डाल देना या इनबॉक्स में सेंड कर देना. सो मैं उस पर ज़रूर से वीडियो बनाऊँगी आपके लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. अल्लाह हाफिज़.